वाईएसआर तेलंगाना समिति की पदयात्रा निजामाबाद में दाखिल। वाईएसआरटी समिति सरबरा वाईएस शर्मिला रेड्डी ने शहर के इलाके गांधी चौक पर पुरहुजूम आवामी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सुनहरे तेलंगाना की आवाम के ख्वाबों को शर्मिंदा करने का इल्जाम लगाया। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के 8 साल दौर इख्तदार में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साबिका चीफ मिनिस्टर और इनके वालिद अनजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस पार्टी की अवामी इस्कीमात व फलाही मंसूबों को दरकिनार करते हुए अपनी हिटलर शाही के जरिए तेलंगाना के नौजवानों और अवाम को सिवाय महंगाई और बेरोजगारी के कुछ नहीं दिया, लेकिन केसीआर ने अपने फर्जन केटीआर और दुख्तर के कविता को माली फायदा पहुंचाने के इकदाम किए। शर्मिला ने निजामाबाद जिले की आवाम से सवाल करते हुए कहा कि कविता ने क्या हल्दी बोर्ड कायम करने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। इन्होंने निजामाबाद अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता पर भी संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अर्बन एमएलए शहर की तरक्की के बजाय सरकारी अराजियात पर कब्जा करते हुए दौलत कमा रहे हैं। इन्होंने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर भी तनखीद करते हुए कहा कि वो जिले के किसानों और आवाम से तहरीरनामा लिखाकर देने के बावजूद हल्दी बोर्ड के ख्याम से फरार अख्तियार की है। शर्मिला ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी शदीद तनखीद की। राजशेखर रेड्डी गारु असल रैतुल उचित विद्युत इव्वाली अनि मोट्ट मोदट आलोचन चेसिन नायकुडु एवरु रामशेखर रेड्डी गारु। असल पेद बिड्डलु गोप्प चदुवुलु चदुवुकोकपोते आ कुटुंबालु एप्पटिकी पेदरिकं नुंचि बयटिकि रावनि फीजु रीइंबर्स्मेंट आलोचन चेसिन नायकुडु एवरु रामशेखर रेड्डी गारु। एंत मंदि बिड्डलु डाक्टर्लु इंजनीर्लु एंबीएलु एंसीएलु पैसा खर्चु लेकुंडाने चदुवुतुन्नारु ई रोजु लक्षणंगा उद्योगालु चेसुकुंटुन्नारु कदा असल ये नायक आलोचन चैसे प्रपंच आलोचन चैसा पेदवा इंट जब इंटर बाधि अपने बालई कदा राजशेखर रेड्डी गारु आरोग्यश्री प्रवेश मंदिर पेदवा गवर्नमेंट आस्पत्र उचित पैसा खर्च लेकिन गोप गोप आपरेशन आपरेशन चुक रोज असल आपरेशन अंट की पोटे चारजी पंपर कदा राजशेखर।